राजस्थान चुनाव से पहले चार प्रत्याशियों ने अशोक गहलोत के सामने घुटने टेके, वहीं बीजेपी के दो दर्जन नेताओं ने मैदान छोड़कर भाग गए। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सत्ता के लिए घमासान मचा हुआ है, जिसके लिए हर संभव दाव चले जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत से लेकर वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रताप सिंह खरचियावार जैसे दिग्गज के सामने खड़े कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लेकर राह आसान कर दिया है। इतना ही नहीं, करीब दो दर्जन से ज्यादा सीटों पर भाजपा, आम आदमी पार्टी, आरएलएसपी सहित कई अन्य छोटे से चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है और कांटे की टक्कर दिख रही है। यही वजह है कि दोनों ही मुख्य पार्टियां किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता अपने सामने लड़ रहे हैं, निर्दलीय और छोटी पार्टियों के उम्मीदवारों को मैनेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में किंग मेकर बनने का सपना लेकर चुनावी मैदान में उतरी भाजपा, आरएलएसपी, बीटीपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को सीधा अपने राह आसान बनाने में कोई भी कांग्रेस और बीजेपी नेता जुटे हैं। राजस्थान में दो दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अब तक छोटी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन करने के बाद अपना चर्चा वापस ले लिया है। नामांकन अगर वापस नहीं लिया तो अब समर्थन का ऐलान कर दिया है। सबसे ज्यादा मैदान छोड़ने वाले प्रत्याशी भाजपा के हैं और बीजेपी के भी हैं। एक दर्जन के करीब भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस का फिर बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा तीन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल की आरएलएसपी के हैं तो बाकी अन्य पार्टी के हैं। ऐसे कुछ निर्दलीय उम्मीदवार ने भी वोटिंग से पहले मैदान छोड़कर भाग गए हैं। आपको इस पे क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।